Hi Leo and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Leo, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. By the way, I'm offering personal readings as well. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक है. मुझे हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. ये तो बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड गेट अ क्लैरिटी इन योर लाइफ. ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है लियो, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. लेट्स चेक आपके लिए सेल्फ सैक्रेट सेल्फ केयर से क्या मैसेज आता है. ओके, लेट्स सी. आपके लिए मैसेज आया है क्लीन योर स्पेस का. साफ सफाई करो यार लियो, अपनी रूम की, अपनी घर की साफ सफाई करो. साफ सफाई करने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपको खुद लाइट फील होता है. आपका घर गंदा है बहुत लियो, इसका घर गंदा है. इट्स हाई टाइम क्लीन योर घर. अपना साफ सफाई करो, अपनी टेबल की, अपने घर की. डीप क्लीनिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लियो. ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है मुझे. ओके, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स चेक एनिमल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है लियो. आपके लिए मैसेज आया है टुकान का. वेल, आई एम सीइंग दैट लियो, टुकान एक ऐसी बर्ड होती है जो बोलती है काफ़ी. आई एम सीइंग दैट कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं अप्रैल मंथ में लियो. और जितना मुझे दिख रहा है, आपको अपनी नीड्स, डिमांड्स, जो आप सोच रहे हैं उसे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है लियो. मुझे जितना दिख रहा है, आप अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से बातें करें, उससे जितना आपका जो अंदर की जो भावनाएँ हैं ना, वो निकलेंगी. ठीक है, या अगर आप बहुत अकेले रहते हो, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, फैमिली मेम्बर्स दूर रहते, तो आप एक डायरी लो, पेन लो, उसको राइट करो. जितना मुझे दिख रहा है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करोगे. मुझे एक और एनर्जी आ रही है कि बहुत लोग सोशल मीडिया पे कुछ फ़नी वीडियोज़ डालने का सोचेंगे, या यूट्यूब पे पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे. सो यू गाइज आर यूजिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर योर ओन बेनिफिट. और जितना मुझे दिख रहा है, आप ऐसी वैसी घटिया बातें नहीं करोगे, आप बहुत समझदार लेवल की बातें करोगे. जितनी भी आपकी नॉलेज है, विजडम है, आप उसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बांटोगे. सो ग्रेट कार्ड, ग्रेट एनर्जी, दोनों बड़े अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. एंजल्स, हायर बींग्स, एंसेस्टर्स, जनरल रीडिंग फॉर लियो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023. ऊपर रख लेते थोड़ा. ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड द डेविल. ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, बहुत आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं लियो. देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन एंड इट्स नॉट कमिंग टू एन एंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड, मैं बोलूँगी लियो, जितनी तकलीफ़ें, जितनी परेशानी आपकी लाइफ में है ना, वो आपकी लाइफ में देखो, सब आज के टाइम पे किसी की भी लाइफ, आप कितना भी सोशल मीडिया चला लो, कितना भी कुछ भी देख लो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं. कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसकी लाइफ एकदम परफेक्ट. एवरीवन हैज़ अप्स एंड डाउन्स, इट्स कलयुग. तो मैं आपको लियो ये बोलूँगी कि देखो, बहुत तकलीफ़ें चल रही हैं, स्पेशली आपका जो करियर रिलेटेड है ना, आपके जो बॉस हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जितना मुझे दिख रहा है, वो आपको सपोर्ट नहीं करते. उन्हें लगता है कि लियो तो बिल्कुल आलसी है, लियो को तो कोई काम नहीं. बट आई एम सीइंग कि अप्रैल ऑनवर्ड से आप उन सब अपने एम्प्लॉयज़ को, आप अपने आस पास वालों को गलत प्रूव करोगे. आपके ऊपर सारी तकलीफ़ें लाइफ में आ रही, बट आपने हिम्मत नहीं छोड़ी है. और मैं आपको यही बोलूँगी कि अप्रैल में आपको अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है. यू आर अबाउट टू रीच दैट डेस्टिनेशन, यू आर अबाउट टू एंड दिस मिजरी. मुझे जितना दिख रहा है, जितनी भी तकलीफ़ें आ रही हैं, वो अप्रैल मंथ में रहेंगी, बट आप उस एंडिंग फेज में हो. वो तकलीफ़ें हटने वाली हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है नेक्स्ट. जस्टिस इज़ अ मेजर अरकाना कार्ड. जस्टिस मतलब आपको, आपने जितनी भी मेहनत की है, जितनी भी तकलीफ़ें देखी हैं, भगवान देख रहा है, भगवान ने देखा है कि लियो सबसे मेहनती है, लियो सच्चा है, लियो जितनी भी मैंने कठिनाइयाँ उसकी ज़िंदगी में दी हैं, वो उससे खरा उतरा है.
तो जस्टिस होगा, जस्टिस मतलब बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। बहुत लोगों का लीगल केस अगर चल रहा होगा तो आपका लीगल केस अप्रैल मंथ में वो चीज़ एंड होने वाला है और आपके फेवर में वो डिसीजन आने वाला है। जस्टिस का ये भी मतलब है कि बैलेंस बना के चलोगे आप अपनी वर्क लाइफ में, स्टडीज़ में और अपनी फैमिली लाइफ में। और मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है विद द जस्टिस की, कि आपको वो रियलाइजेशन हिट होगा, आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ में इतनी तकलीफें क्यों आई ताकि मैं इस मुकाम पे पहुंचूं। तो आप मुकाम पे पहुंचने वाले हो अप्रैल मंथ में। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज विद द डेविल कार्ड। बहुत लोग स्मोकिंग, अल्कोहलिक हो रहे हैं, तो प्लीज़ इट्स हाई टाइम दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। सेकेंडली, बहुत अटैचमेंट इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, आप लोग किसी इंसान से, किसी चीज़ों से बहुत अटैच्ड हो। क्लीनअप का भी कार्ड आया है, तो पुरानी चीज़ों को फेंकनी ज़रूरी है, वो पुरानी चीज़ों से भी आप बहुत अटैच्ड हो। पुरानी चीज़ें फेंकोगे तभी नई चीज़ें आएंगी। सो नंबर वन ये, नंबर टू लियो, आई एम सीइंग दैट आप लोग बहुत लियोज पास्ट में भी स्टक हो। आप लोगों का कोई ब्रेकअप हुआ है बट अभी तक आप उससे हील नहीं हो पाए हो। उसकी टैरो कार्ड एनर्जीज चेक कराते हो, पर्सनल रीडिंग कराते हो, रोते हो, और वो इंसान वापस नहीं आने वाला, मैं सच बता रही हूँ आपको, विद द डेविल एनर्जी। सो आप अपनी आप जब भी, मुझे जितना दिखता है, जब भी आप अकेले बैठते हो, वेन एवर यू आर अलोन, यू आर इन टू दिस नेगेटिव एनर्जी, दिस नेगेटिव थिंकिंग। तो यही एनर्जी आई है कि अगर आप अकेले हो तो साफ सफाई करना स्टार्ट करो, बर्तन धो लो, कपड़े धो, अपने रूम की सफाई करो, झाड़ू लगाओ। तो अकेले बैठे हो और अगर नेगेटिव थिंकिंग आ रही हो तो स्टार्ट क्लीनिंग योर स्पेस, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन कंट्रोलिंग योर एनर्जी लेवल्स। नंबर टू, इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक अप, इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक योर माइंड, देन रिकॉर्ड दबाओ अपने फ़ोन पे एंड लेट योर हार्ट आउट। कोई सुनने वाला नहीं। मैं आपको वही सोल्यूशंस देती हूँ, जैसे अगर जो लोग अकेले, जिनके पास कोई दोस्त नहीं है बात करने को, एंड इट्स ओके टू बी अलोन। आप सब अकेले ही पैदा हो या अकेले ही मरोगे, इट्स अ हार्ड हिटिंग रियलिटी। नहीं है तो आप अपने फ़ोन का रिकॉर्डिंग बटन ऑन करो, उस पर आपको जितनी भड़ास निकालनी आप वो बोलो, उससे जितनी भी आपके अंदर जो दबी हुई नेगेटिव एनर्जी है या जो भी कुछ है ना, वो निकलेगा। सो आई एम सीइंग दिस वेरी नेगेटिव एनर्जी अराउंड आपके अंदर, जो आपको निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड दैट इज व्हाई दीस टू कार्ड्स केम अप। स्मोकिंग, अल्कोहलिक हो तो प्लीज उसको रिड्यूस करो, क्योंकि वो उसमें आपका सीरियस हेल्थ इंपैक्ट भी हो सकता है। नंबर थ्री, अगर आप किसी से अटैच्ड हो तो उसको रिलीज करो, कॉर्ड कटिंग खुद से करो। कॉर्ड कटिंग गूगल पे डालो, आपको पता चल जाएगा कॉर्ड कटिंग रिचुअल क्या होता है। सो दिस वाज योर जनरल रीडिंग। प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑफ योर एनर्जी लेवल्स, और जितनी भी तकलीफें लाइफ में आ रही है वो एंड होने वाली हैं और जस्टिस सर्व होगा आपको, वो कंटेंटमेंट, वो सेटिस्फैक्शन बहुत जल्दी मिलने वाला है। एंड आई एम सीइंग दैट हैपनिंग आफ्टर 15th of April। 15th of April के बाद से आपका टाइम बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाय लियो एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो, ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। लियो, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर विद योर लव लाइफ रीडिंग, मैं चाहती हूँ आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पूछो अपने माइंड में, और आई होप उस क्वेश्चन का आंसर मैं इस डेस्क से दूँ। सो आप क्वेश्चन पूछ लो, पॉज कर लो वीडियो, एंड फिर देखते हैं आपके लिए लव गाइडेंस क्या आती है। लेट्स चेक लव गाइडेंस फॉर लियो। आपके लिए मैसेज आया है, आई डोंट नो इफ इट्स फोकसिंग और नॉट। ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज अ टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। आपकी जनरल रीडिंग में भी मैंने यही चीज़ बोली थी, बहुत अटैचमेंट इश्यूज हैं वो भी आपके एंड से है लियो, तो थोड़ा अकेले रहो, अकेले टाइम स्पेंड करो, एनालाइज करो और देखो, अपने आप को टाइम दो, ज़्यादा घुसा घुसी नहीं करना। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा लियो। आप हो सके तो इसको आप पॉज करके भी या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इफ़ यू वॉन्ट टू यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया है कि क्या मैसेज आया है। ओके, लेट्स चेक जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ। एंजल्स, ओके, ये तो लव जनरल एनर्जीज है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ एंड कॉमेंट। पे अटेंशन टू द साइंस, अट्रैक्शन,
टाइम फॉर एक्शन, आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट मच. अभी हम टैरो से पता लगाएंगे. एंजल्स, हायर बींग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर लियो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023. सेवन ऑफ वॉन्स, करेंट एनर्जी, इंटेंशन, एक्शन, योर एनर्जी एंड फ्यूचर. पेज ऑफ कप्स. ओके, ग्रेट कार्ड्स. वो नाइस, ग्रेट 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 एनर्जी. लवर्स आ गया. यू आर स्ट्रांगली डीलिंग विद जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. मैंने सारे ज़ोडियाक साइन बता दिए. करेंट एनर्जी सेवन ऑफ वॉन्स. अरे यार लियो, यार तुम लोग बहुत एग्रेसिव होते हो. तुम लोग इतने एग्रेसिव हो जाते हो लियो. प्रॉब्लम यही है कि पूरा आज की पूरी रीडिंग में आई एम सीइंग योर फॉल्स बहुत ज़्यादा. सो सुनो अब, आई एम नॉट दैट कि मैं दूसरे को ब्लेम डालूँ. जब सामने वाले की भी गलती होती है तो मैं उसको भी देती हूँ. यू आर सो अग्रेसिव, यू आर सो मतलब इतना घुसा घुसी करते हो, इतना स्पेस नहीं देते हो. आपका पार्टनर परेशान हो चुका है. मैं सच बताऊँ, योर पार्टनर इज लाइक प्लीज़ गिव मी स्पेस, प्लीज़. इतना क्यों पीछे पड़ रहे हो? दस दस लड़कियाँ, स्पेशली लियो लड़कियाँ, जितना मुझे दिख रहा है, दस दस पंद्रह पंद्रह बार कॉल करते हो. अगर वो फ़ोन नहीं उठाते हो तो स्टॉप डूइंग दैट. 2023 में रह रहे हो तुम लोग यार. अगर कोई इंसान एक बार फ़ोन नहीं उठा रहा है तो इतना कॉल करने की ज़रूरत नहीं. कॉलिंग वाला मुझे एकदम से एनर्जी हिट हो रही है. योर पार्टनर इज़ लाइक तुम मुझे थोड़ा स्पेस दो, मुझे स्पेस चाहिए. तो करेंट एनर्जी इज़ लाइक दे वॉन्ट स्पेस फ्रॉम यू. समझ में आए? दिन में अगर एक बार बात नहीं होगी तो कुछ नहीं उखड़ जाएगा. रिमेंबर दिस, गिव देम स्पेस, बिकॉज दे आर, उनका ऐसा हो रहा है, उनका माथा खराब हो रहा है. दे आर गेटिंग डन विथ यू. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू लियो, कि अगर आप ऐसे लियो हो जो उन्हें दस दस पंद्रह पंद्रह बार कॉल करते हो, पीछे पड़े रहते हो, सो गिव देम स्पेस. डू यू गेट माई पॉइंट? करेंट एनर्जी, इंटेंशन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स दैट दे वॉन्ट टू टेक थिंग्स स्लोली विथ यू. दे हैव दैट फीलिंग्स फॉर यू. ये कोई ऐसा इंसान है जो अभी का नहीं आया है. आप लोग चार पाँच महीने से डेट कर रहे हो. सी दे लाइक यू, दे हैव दैट फीलिंग्स फॉर यू, बट दे वॉन्ट टू टेक थिंग्स वेरी स्लोली विथ यू. एनर्जी अच्छी है और उन्हें चीज़ें स्लोली लेनी है. ठीक है, करेंट एनर्जी इंटेंशन ये है. एक्शन मतलब लवर्स है. यू गाइज आर कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप लियो. इट्स अ गुड मैसेज. लवर्स का कार्ड है. मुझे जितना दिख रहा है आप दोनों के बीच में प्यार डेवलप हो रहा है. आप दोनों के बीच में एक प्यार, एक इमोशन, वो केयर, वो डेवलप हो रहा है एंड धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. लवर्स इज़ अ ग्रेट एनर्जी. आप लोग रिलेशनशिप में डेफिनेटली आ रहे हो. इट्स अ गुड साइन. आपकी एनर्जी टेन ऑफ वंड्स. तुम लोग तो यार लियो भाई साहब, मैं क्या बताऊँ, तुम लोग इतना सोचते हो, इतना ओवरथिंक करते हो. उसने, अगर आपके पार्टनर ने रिप्लाई नहीं किया रात में, गुड नाइट करके नहीं सोया, तो आपका तो पूरी रात तबाह हो जाती है. आप सोचते हो उसने मुझे गुड नाइट क्यों नहीं भेजा, ये नहीं, वो नहीं, क्या हुआ. तो प्लीज़ स्टॉप ओवर रिएक्टिंग, स्टॉप ओवर एनालाइजिंग. अपनी लाइफ पे फोकस करो एंड जस्ट गो विद द फ्लो. क्योंकि आप लोगों की एनर्जी अलाइन हो रही है, आप लोग रिलेशनशिप में आ रहे हो. मैं सच बता रही हूँ लियो, अगर आप लोग प्रॉब्लमैटिक हो एंड इफ़ यू कांट आइडेंटिफाई दोज प्रॉब्लम्स, देन कम एंड कॉन्टैक्ट मी, गेट अ पर्सनल रीडिंग डन विथ मी. नंबर वन. नंबर टू, अगर आपको पता है कि मेरे अंदर ये इश्यूज़ हैं, तो उस पर प्लीज़ वर्क ऑन करने के लिए करो. प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज दैट इश्यूज, दैट वो जो आप लोग का जो प्रॉब्लमैटिक नेचर है, जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं जनरल रीडिंग से लेके अब तक, वो आपका रिलेशनशिप, वो आपकी लाइफ रुइन कर सकता है. सो कभी कभार देखो, लेट मी ड्रिंक वाटर, प्यास लगने लग गई. यस, सो वट आई वॉन्ट टू जस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस वन थिंग, कि हम कहते हैं कि आपका ये, आपका मार्स प्लैनेट खराब है, आपका जुपिटर प्लैनेट खराब है, इस वजह से आप ऐसे रिएक्ट करते हो, वैसे रिएक्ट करते हो. व्हेन यू नो ऑल दीज थिंग्स, व्हेन यू नो कि आपके अंदर वो सब चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं, आपको पता है कि मेरा नेचर ऐसा है, मैं ओवरथिंक करता हूँ, तो उस पर अगर आपको, इफ़ यू हैव आइडेंटिफाइड दोज प्रॉब्लम्स, आप फर्स्ट स्टेप पर पहुँच गए हो.
सो प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ लियो। ये पूरा आपकी रीडिंग में आप ही का सारा दोष है। आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, बट दे डोंट वॉन्ट टू बी रिस्ट्रिक्टेड, दे डोंट वॉन्ट टू बी कंट्रोल। आप लोग डोमिनेटिंग होते हो लियो, तो थोड़ा आपको लेस डोमिनेंट बनना है। इफ यू हैव प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई दोज प्रॉब्लम्स एंड प्लीज काइंडली वर्क ऑन इट। आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ बींग अग्रेसिव, मैं अपना बता रही हूँ, बट उस पर मैं वर्क ऑन कर रही हूँ। मैं नहीं अब लोगों को सुनाती हूँ, मैं उस पर काम करने की कोशिश कर रही हूँ। एटलीस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ लियो, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। फ्यूचर पेज ऑफ कप्स, रोमांस डेवलप होने वाला है। शॉपिंग करोगे, पार्टी करोगे, घूमोगे, डिनर डेट पे जाओगे। डिनर डेट दीपिका का कड़के से याद आ गई, डेट नाइट पे डेट नाइट पे जाओगे। सो आई एम सीइंग दैट यू गाइज आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर इन द कमिंग टाइम्स। और मुझे जितना दिख रहा है, अगस्त तक आते आते, आपके बर्थडे मंथ तक आते आते, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। सो ओवरऑल एनर्जीज आर क्वाइट गुड एंड पे अटेंशन टू द साइंस व्हाट आई हैव टोल्ड। जितने साइंस आपको दिख रहे हैं अपने नेचर के ऊपर, उस पर ध्यान दो और उस पर वर्क ऑन करने की कोशिश करो लियो। दैट्स द ओनली लव लाइफ रीडिंग फॉर यू एंड सेम मैसेज हैज कम फॉर योर सेल्फ। स्पेस दो, समझ में आया? दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग। आई होप यू लाइक योर रीडिंग। इफ यू लाइक माई रीडिंग, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टावर रीडर। बाय बाय।